जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी असूली करने का काम किया जाता। किसने ट्वीट किया था, कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना, हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। आप साथियों समझिए, कोई ऑफिशियल अपने ट्वीट से यह कहे कि 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। और कोई व्यक्ति यहां आया और इस सदन में कहा कि नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है, अपने ही राम बन गया। बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है, बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है। यह गलतफहमी में मत रहिएगा। रामराज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और बधाई भी देता हूं कि कहां 22,000 और 22,000 करोड़ से सीधे आज 2,78,725 करोड़ रुपया बिहार का बजट हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष में आप लोगों ने देखा कि 2,61,000 करोड़ का बजट था, इस बार लगभग 16,840 करोड़ रुपये अधिक वृद्धि की गई। और बिहार के लगातार जो संकल्प था कि न्याय के साथ विकास, लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से बिहार बदल रहा है। और कुछ साथियों ने कहा कि थका हुआ बिहार, लेकिन आप सोचिए, ये ठहरा हुआ बिहार था। 1990 से 2005 तक बिहार ठहरा हुआ बिहार था, अब बढ़ता हुआ बिहार है। फर्क यह है। और आप लोगों को, कई लोगों को तो अनुभव भी नहीं होगा जो साथी बोल रहे थे कि उस समय क्या होता था। बिहार के बजट पर ही चर्चा करता हूं, आप पे करूंगा तो ज्यादा कष्ट होने लगेगा कि आज बिहार की स्थिति बदली। कई साथी राजकीय कोष के घाटे की चिंता कर रहे थे। पिछले साल लगभग 80,000 करोड़ रुपया हम पीछे चल रहे थे और इस बार, पिछले बार 8% से अधिक राशि राजकीय कोष घाटा में था। और इस बार जो बजट हम लोगों ने पेश किया वो जो भारत सरकार का मानक तय है वो 3% से नीचे हम लोग ले जाने का काम पूरे बजट में किए हैं। इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार बढ़ रहा है और एक एक क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और आज बजट के आकार के साथ साथ चीजें बिहार में स्थापित हो रहा है। 7 निश्चय 1 के माध्यम से बिहार में चीजें स्थापित हुआ और 7 निश्चय 2 के नेतृत्व, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चाहे वो मुख्यमंत्री निश्चय सहायता स्वयं सहायता समूह भक्ता हो, कुशल युवक कार्यक्रम हो, हर घर नल जल योजना हो, हर घर पक्की गली नली योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, अवसर बढ़े और आगे बढ़े इसका योजना हो, उसके बाद निश्चय 2 भी आया 2020 में। हमारे साथी बोल रहे थे रोजगार की चिंता इनको बहुत होती है और लगातार ये बोलते हैं, ये रोजगार की चिंता करते हैं। धन्यवाद जी भैया। इनको पता नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के लोग सत्ता में रहे, 1,00,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। बार बार मैं दोहराता हूं, 1,00,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। और अरे आपको पता नहीं है, पता कीजिए जाकर भीम जी, और आप भी उस जमाने में सदस्य रहे, आपको पता होना चाहिए। और 2005 से लेकर 2020 तक, मैं 20 तक ही काउंटिंग कर रहा हूं, तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। रोजगार अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार बढ़ाया जा रहा है। बिहार में आप गिनती गिनिए, एक ब्रिज पर जाने में कष्ट होता था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप ही पथ निर्माण के मंत्री हुए 2005, एक पुल गंगा पार करने में दिन दिन तक लोग इंतजार करते थे। आज गिनती नहीं गिन पाएगा कितने पुलों पर काम चल रहा है। बक्सर से आप चले जाइए साहबगंज तक, सभी जगह पर लगभग 12 से 13 गंगा पर पुल बनने का काम चल रहा है। इसे विकास की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, चार बन के समर्पित भी हो गया। जी जी, चार बन के समर्पित हो गया जनता। तो आज फेज टू में भी कई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, चाहे वो आईटीआई की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योजना हो, राज्य में पॉलिटेक्निक योजना को बढ़ाने का हो, चाहे वो उद्यमी योजना का 5 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पर उनको उपलब्ध कराया गया, और 5 लाख रुपया एकदम 2 से 3% 4% के इंटरेस्ट रेट पर उनको उपलब्ध कराया गया। इसमें सब कैटेगरी के लोगों को दिया, चाहे वो एससी वर्ग के लोग हो, चाहे वो पिछड़ा समाज के लोग हो, या युवा उद्यमी बनने का योजना हो, अल्पसंख्यक हो, सभी वर्गों को इसमें जोड़ने का काम किया गया। हमारी महिला बहनों को भी जोड़ने का काम किया, महिलाओं को भी विशेष तौर पर इसमें जोड़ने का काम किया गया। और इस बार तो उससे बढ़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 के जून में जब हम लोग एनडीए की सरकार में थे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय सर्वे का पूरी तरह बिहार में हो, इसकी पूरी तरह कैबिनेट से हम लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया। ये लोग कहते हैं इनको पता भी नहीं होगा किस कैबिनेट में पास किया आपने, किस कैबिनेट में आपने पास कराया। अरे हम बिहार यूनिट में हम लोगों ने तय करके इसको पारित कराने का काम किया। सिर्फ बोलते नहीं है, करते हैं, ये जानना चाहिए सत्यदेव जी। और साथ ही साथ इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में लगभग 94 लाख परिवार को, पूरे परिवार को 2 लाख तक की सहायता पूरे प्रदेश में देने का काम किया जाए, ये पूरे योजना के तहत। और ये अगले 5 वर्षों तक इसको लगातार राशि उपलब्ध कराकर बिहार के एक एक गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से तंगी में है उनको मुख्य धारा में लाने करने का प्रयास है। ये साथियों है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही सरकार बदली, कल तक 1,02,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार से हमको टैक्स के तौर पर उपलब्ध होना था, जैसे ही सरकार बदली 28 को, 29 तारीख को पत्र आया कि वो बढ़कर 1,11,000 करोड़ रुपया हो गया। देखिए कितना शुभ है बिहार के लिए, बिहार के लिए इतना शुभ है कि 2,78,000 करोड़ के बजट में भारत सरकार अपना सहयोग देने का काम करती है, और लगभग 1,76,000 करोड़ रुपया चाहे वो सहायता के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर, लोन के तौर पर। और अभी तो भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हम प्रदेश सभी प्रदेशों को लोन के तहत कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 50 साल के बाद पैसा वापस करना है। 2021 में 843 करोड़ रुपया दिया गया था, 21-22 में 1246 करोड़ रुपया दिया गया था, 2022-23 में 8455 करोड़ रुपया दिया गया, और इस साल 6135 करोड़ रुपया दिया गया। तो साथियों ये जानिए कि आगे के दिनों में ये 2073-74 में जब पैसा वापस करेंगे तो इसके लिए कोई सूद नहीं देना है, ये सहयोग करने का काम किया गया। देखिए माननीय सदस्य, आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर बिहार में 1,65,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम किया है, और आगे उसका भी काम चल रहा है,
और आगे के दिनों में भी जहां पर बिहार को जरूरत पड़ेगी पूर्ण रूप से भारत सरकार का बिहार को सहयोग मिलता रहेगा, एकदम बेफिक्र रही। अभी कई साथी कर रहे थे क्राइम, नीतीश कुमार जी का इमेज ही है सुशासन के साथ विकास करना, और ऑर्गेनाइज क्राइम यहां नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है जिससे एक अपराधीकरण हो। हम लोगों ने वो दिन देखा है जब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था और बिहार के एक अन्य मार्ग में बैठकर उसकी असूली करने का काम किया जाता। यह भी जानना चाहिए आप लोगों को, नहीं है पता तो पता कीजिए। आप सोचिए, लोग कह रहे थे अभी ये लोग चर्चा कर रहे थे माननीय विधायकों की बात कर, किसने ट्वीट किया था, कौन कह रहा था खेला होगा बिहार में? खेला हो गया ना, हम लोगों ने तो कहा था कि खिलौना देंगे, बच्चे को खिलौना दे दिया गया। आप साथियों समझिए, कोई ऑफिशियल अपने ट्वीट से यह कहे कि 17 विधायक जनता दल यू का गायब हो गया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। कोई अपने ऑफिशियल साइट से कह रहा हो, कोई आप सोचिए। और कोई व्यक्ति यहां आया और इस सदन में कहा कि नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है, अपना ही राम बन गया। अरे बिहार में गुंडों का प्रतीक कौन है और रावण का प्रतीक कौन है बिहार के अति पिछड़ा समाज जानता है, यह गलतफहमी में मत रहिएगा। राम राज की कल्पना कभी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से नहीं हो सकता है, यह पूरा देश जानता है। और आप लोग बोल रहे हैं कि राम राज, राम का शब्द जिस पार्टी ने कहा कि राम ही काल्पनिक हो, वो लोग राम की बात कर रहे हैं जिसने सब दिन विरोध किया हो। इसलिए आज बिहार के बजट पे चर्चा आप लोग लगातार कर रहे हैं। आज यदि जीएसटी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नहीं लाया होता तो जो दुनिया में आर्थिक स्थिति का हाल आप देख रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जीडीपी का हाल का बुरा हाल हो गया है, कोई भी 5% से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार देश भी बढ़ रहा और बिहार भी बढ़ रहा। और यह कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं मिलता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार को टैक्स नहीं मिलता था, बिहार को टैक्स मिलना शुरू हुआ। यदि दूसरे राज्यों में फैक्ट्री थी और हमारे यहां फैक्ट्री नहीं था, हमारे यहां आर्थिक स्थिति खराब थी, हम आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन हमको आर्थिक रूप से सहयोग करने का काम और समय बनाने का काम किसी ने किया तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जीएसटी जब आया, हम कंज्यूमिंग स्टेट है, हमको टैक्स नहीं आता। पहले जहां बनता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, उस स्टेट में सारे चीजों को देने का काम किया जाता था। लेकिन आज पूर्ण रूप से जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है उस राज्य को पूरी तरह टैक्स देने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नियुक्ति और रोजगार देने का काम किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया जा रहा है, विभिन्न वर्गों का कल्याण किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नीतिगत फैसला लिया और पूरे प्रदेश में एक एडिशनल पीएससी सभी विधानसभा क्षेत्रों में और चार चार हेल्थ सेंटर बनाने का निर्णय लिया। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल नहीं था, हाई स्कूल हमारे पंचायतों में उपलब्ध नहीं था, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया गया और सभी पंचायतों को हाई स्कूल उपलब्ध कराने का, प्लस टू हाई स्कूल देने का काम किया गया।
आज लगातार कृषि के क्षेत्र में आपने देखा कृषि रोड मैप 1, 2, 3 कैसे लगातार बिहार के विकास हो, कृषि के क्षेत्र में कैसे हमारा हमारे बिहार के अनाज बिहार कैसे समृद्धि हो अपने स्तर पर, इसकी चिंता करने का काम किया गया और रोड मैप के माध्यम से किसानों की चिंता की गई, किसान कैसे समृद्ध हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, इसकी चिंता करने का काम किया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।